देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। नमस्कार, न्यूज ड्रम और रायसेना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकों की। एक तरफ विपक्षी दलों ने मिलकर बेंगलुरु में अपनी बैठक की और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एनडीए ने भी अपनी बैठक की है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंगलुरु की बैठक की और इस बारे में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, औरंगजेब नक्शबंदी और अरुण कुमार। सबसे पहले हम औरंगजेब के पास चलेंगे। औरंगजेब, क्या रहा आज बेंगलुरु की बैठक में? देखिए, आज एक ये एक रोड मैप सा तय किया गया कि आगे कैसे चलना है। 26 पार्टीज आज वहां बेंगलुरु में शामिल हुए जो उस मीटिंग में, और सोनिया गांधी भी वहां आज प्रस्तुत थी, वहां मौजूद थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज काफी मैंने देखा कि काफी उत्साहित थे। तो काफी जोश दिखा कांग्रेस के खेमे में। तो इन्होंने एक तो इस अलायंस का एक नाम दे दिया जिसका नाम इन्होंने रखा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया, काफी इंडियन सोच नेशनल। रखा है नाम, नाम काफी सोच के रखा है। हाँ, काफी सोच के रखा है, क्योंकि देखिए आपने यूपीए क्यों हटा दिया, इसलिए हटा दिया क्योंकि यूपीए का एक ये हो गया था कि उस नॉनम हो गया था कि यूपीए के टाइम पे काफी करप्शन हुआ, स्कैम्स हुए और कई उसके एक्रोनियम्स बन गए थे। लेकिन इंडिया में आप कोई भी जो आपके मुखालिफ होंगे वो काफी थोड़ा सा संभल के ही कुछ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही चालाकी से नाम रखा। तो एक तो ये हुआ कि आगे कैसे करना है। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि ये जो 26 पार्टीज थी और जिस तरह से आज ये मिली है, अनलेस कोई ऐसा इनमें तनाव आ जाए, मुझे लग रहा है कि ये 26 पार्टीज एक साथ ही चुनाव लड़ेंगी। हाँ, लगता है जैसे वेस्ट बंगाल में अगर कांग्रेस ने कैसे करेगा, क्या वो कांग्रेस अबेंडन ही करेगा या खाली बोलेगा कि हमारे पास एक सीट है, वो पंजाब, और मैं आम आदमी पार्टी के साथ कैसे जाएगी। तो कुछ अभी वो जो है वो पेच कुछ बाकी है, वो कैसे सुलझ जाएंगे वो टाइम ही बता पाएगा। लेकिन ऐसा कहा लबोलुभाव जा ये रहा है है, कि साइड, माफ कीजिए मैं आपको टोकना चाहूंगा, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कुछ अंदरूनी आकलन है कि वो 370 380 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने की टक्कर है और बाकी जगह पे वो सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ देगी, ऐसा बिल्कुल असली बिल्कुल भारत बिल्कुल आपका बिल्कुल आपका ये ठीक मानना है, क्योंकि ऐसे ही है। जैसे आप देखिए, जो काफी आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया है, वहां पे डायरेक्ट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो जहां डायरेक्ट है वहां पे कांग्रेस को ही लड़ने दिया जाएगा, और जहां पे दूसरी रीजनल पार्टीज, रीजनल ताकतें मजबूत है, तो वहां कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है, बेसिक आइडिया है 1-to-1 कॉन्टेस्ट कि बीजेपी का एनडीए का एक कैंडिडेट हो और यहाँ से इंडिया का एक, ये जो अब नया अलायंस है कांग्रेस लेड अलायंस है, इसका एक कैंडिडेट हो। तो आइडिया ये है कि जितना हो सके ये 1-to-1 कॉन्टेस्ट हो। अब कितना सक्सेसफुल रहेगा टाइम ही बता पाएगा। राजेश, अंत में एक चीज और, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर क्या चर्चा हुई है, क्या सहमति बन रही है? देखिए अभी तक वो एक, देखिए वो बड़ा एक कंटेंशियस इशू है, इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो कभी पद नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन जैसे हम ये सुनने में आ रहा है कि 2004 वाला मॉडल अपनाया जाएगा, जहां पे पूरा अलायंस जो है साथ में मिलके आया, और फिर सोनिया गांधी जो है उनको बोला गया कि, लेकिन बाद में उन्होंने सिंह को चुना, वो उसी तर्ज पे वो लड़ना चाहते हैं कि पहले कलेक्टिव लीडरशिप हो जाए। जैसे यहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, एक ये होगा, तो उसी के अंडर लड़ा जाए। अभी ऐसा कोई तय नहीं हुआ कि कौन एक एक फेस आ जाए। लेकिन मैं साथ ही ये बताना चाहता हूँ राजेश, कि
फेस आना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि जब आप बोलोगे नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, तो आपको वो हु बताना पड़ेगा कि हु कौन है। तो हो सकता है कि आगे ये इशू एड्रेस किया जाएगा, अभी टाइम है, तो हो सकता है कि आगे ये एड्रेस किया जाए। औरंगजेब, बहुत सारे फार्मूले हैं। 1989 का फार्मूला है, वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी और हाँ कांग्रेस दोनों ने सपोर्ट देकर चलाया था। फिर हमारे पास 1996 का है, जब देवगौड़ा बने थे, कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया था, सरकार में शामिल नहीं हुई थी। फिर हमारे पास विकल्प नहीं, है 2004 का, जब सारे दल जो हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कई विकल्प है, कई ऑप्शंस है, और कुछ कई चीजें हो सकती है, लेकिन जैसे अरुण ने बोला कि अभी जो है बेसिक मुद्दा है कि आप एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़िए, और बाद में क्या नतीजे रहेंगे, क्या इसका आउटकम रहेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि कौन ये लीड कर देगा, कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा। अभी बेसिक ये है, पहला मुद्दा ये है कि बीजेपी को आप यहाँ इस सत्ता से हटा दो, तो उसके लिए सारे एकजुट हो गए हैं। तो अगर वो इनका लक्ष्य पूरा हो गया, उसके बाद वो स्टेप आ जाएगा। हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ जाए कि कौन लीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर वहां राय ये रही कि आप कलेक्टिव लीडरशिप में लड़िए और उसके बाद डिसाइड कर लीजिए। और एक तरफ अरे मैं राजेश आपको ये भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि साथ ही एनडीए की भी आज मीटिंग हुई, तो आज आप वहां भी देखिए, उन्होंने भी 38 पार्टियों को वहां पे पेश किया कि हमारे पास 38 पार्टीज हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक दिखाइए, देखिए दोनों पार्टीज में एक आप, मैं इसको कहूंगा एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन है कि आप जो है अधिकतर ये दिखाए कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है, मेरा मेरे साथ 38 है, मेरे साथ 26 है, ये अब नंबर्स गेम हो गया है। तो आज आपने देखा कि वहां भी एक परेड हो गई, बेंगलुरु में भी परेड हुई, दिल्ली में भी परेड हुई। तो कहीं ना कहीं अभी जो है ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फिडेंट होके कह रहा है कि हम जी वापस आ रहे हैं या हम जी सत्ता इनसे ले रहे हैं। तो थोड़ा सा ये मैं कहना चाहता था यहाँ पे राजेश। अरुण जी से फिर बात करना चाहूंगा। अरुण जी, चिराग जी पासवान जो है वापिस एनडीए में लौट गए हैं, वो चाचा और भतीजे के बीच में कुछ आपस में रजामंदी हुई है, या चाचा और भतीजे में अभी भी तनातनी है और फिर भी चिराग पासवान चले गए हैं? देखिए, तनातनी तो है और तनातनी अभी रहेगी भी, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं कि चिराग को, चूंकि आज के डेट में बीजेपी फ्यूचर के रूप में देख रही है चिराग को, और चिराग ने भी अभी तक बीजेपी के साथ ही अपने को हनुमान बना के मोदी जी का रखा है। आज भी आपने देखा होगा वहां फंक्शन में, मीटिंग में गले लगे, आशीर्वाद लिया। तो ये सब जो पॉस्चरिंग है, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि चिराग यंग है, फ्यूचर है। और जो पशुपति पारस के साथ उनकी अनबन हाजीपुर सीट के लिए है, क्योंकि वो जो 4 MP और थे जो पारस जी के साथ गए थे, वो कल हो सकता है कि वापस चिराग जी के पास आ जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि दोनों अपना अनबन किस तरह से सुलझाएंगे, क्योंकि हाजीपुर की सीट ही एकमात्र बोन ऑफ कंटेंशन है, जहां से पारस जी पिछली बार जीते थे जब रामविलास जी जिंदा थे, और आज उस चिराग जी चाह रहे हैं कि मैं लड़ूं। तो इसको किस तरह से, बीजेपी भी चाहेगी जो ये रिजॉल्व जल्दी हो, लेकिन अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि पारस ने भी कह दिया है कि मैं हाजीपुर से नहीं लड़ूंगा। लेकिन अरुण जी, ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है, ये ऐसा माना जाता है कि ये जैसे बरसाती नदी होती है, वैसे ही ये चुनावी पार्टी है। जब चुनाव आने लगते हैं तो इस पार्टी में कुछ हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं, और जब चुनाव नहीं होता है तो ये पार्टी ठंडे पड़ी रहती है। तो अभी देखिए, भी ऐसी कई जी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी आपको मिलेंगी, लेकिन एलजेपी जो है रामविलास जी के समय से, आप देखिएगा, इसीलिए कहा भी जाता था कि ये मौसम वैज्ञानिक वाली स्थिति। तो मौसम वैज्ञानिक वाली जो स्थिति है, वो अगर अभी चलता रहेगा आने वाले समय में, चूंकि ये जो स्थितियां है ना, कि बीजेपी को भी एक सहूलियत होती है कि कुछ इस तरह के ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर रहे, जहां
कुछ कैंडिडेट्स को लड़वाया जा सके, यहाँ दिक्कत भी है। तो इसीलिए मैं नहीं देखता हूँ कि ये बरसाती वाली बात तो रहेगी, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक कहाँ ही जाता था कि रामविलास पासवान जी को, कि वो पढ़ लेते थे स्थितियां। तो पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है वो भी बड़ी जरूरत होती है चुनाव के समय, और छोटी छोटी पार्टियां भी कई बार बड़ा डिफरेंस कर, जैसा कि बिहार में भी पहले भी देखा गया है। लेकिन चूंकि बीजेपी को भी पता है कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी रहेगी ही रहेगी, और ये फाइट जो है अगर अपोजिशन यूनाइट होगा तो टफ होना ही होना है, तो बीजेपी भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगी और नॉन बीजेपी पार्टीज भी अपना पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है, क्योंकि 2019 में वो नहीं जीत पाए, 2014 के बाद 19 में उनको होप था, लेकिन मोदी जी बरकरार रहे और मोदी जी तीसरे टर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों फाइट इस बार होनी है अच्छी, अब पॉलिटिकल फाइट है, अब आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अगले 2-3 महीना बहुत क्रूशियल रहेंगे राजनीतिक लिहाज से। एक हमको नीतीश कुमार के बारे में फिर से बता दीजिए। नीतीश कुमार जो है, क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 में? ऐसा माना जा रहा था कि लालू और नीतीश के बीच में ऐसी कुछ सहमति है कि अब नीतीश जो है राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और तेजस्वी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए कैंडिडेट तो वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं 18 साल से, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिक टर्म में वो भी जानते हैं, इसीलिए वो खुद कहते हैं कि मैं इस रेस में नहीं हूं। हो सकता है उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी भी इच्छा होगी, हर आदमी की इच्छा हो, और कैपेबिलिटी में जो आदमी 18 साल सीएम रहा है उसको पीएम बनने के लिए भी कैपेबिलिटी तो रहेगी। तो एज ए कैंडिडेट तो ही एनी डे ही कैन बी ए गुड पोटेंशियल कैंडिडेट, लेकिन जो स्थिति है अभी कि वो भी जानते हैं रियलिस्टिक टर्म में कि ये नंबर गेम, और जब नंबर आएगा अलायंस किस तरह से फॉर्म करेगा, किसी को नंबर नहीं आए तो कौन सा आदमी प्रोजेक्ट होगा, जैसे गुजराल साहब हुए थे या देवेगौड़ा साहब हुए थे। तो राजनीतिक परिस्थितियां तो सिचुएशन के हिसाब से, मैंने वो परिस्थिति के हिसाब से वो चीजें बदलेंगी, इसीलिए नीतीश कुमार ने खुद अपने मुंह से नहीं कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। उनके पार्टी के लोग या और भी लोग इस बात को देते हैं हवा कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो नेचुरली हर पार्टी को राइट है अपने लीडर को प्रोजेक्ट करें, लेकिन एम्बिशन हर आदमी को होता है, और नीतीश जी चूंकि थोड़ा सीरियस पॉलिटिशियन है, वो ही विल नॉट जंप द गन, वो वेट करेंगे, वो अपना जो भी काम कर रहे हैं अभी तक बड़ा सिंसियरली अपना वो करते रहे हैं अभी तक, तो वो ही विल वेट कि किस तरह का शेप लेता है। इसलिए मैंने कहा कि अगले 2-3 महीने राजनीतिक लिहाज से आज जो हम देख रहे हैं वही स्थिति 2-3 महीने के बाद भी रहेगी, ये राजनीति पे कहना बड़ा कठिन, क्या परिस्थिति में अचानक बदलाव हो जाए, किस तरह की चीजें बदलें, ये अगले दो, क्योंकि चुनाव में अभी समय है, 8-9 महीने समय है, और अंतिम 3-4 महीने जो होते हैं तो वही क्रूशियल होते हैं, खासकर इस तरह के चुनाव। मैं औरंगजेब के पास जी जाऊंगा, आना जाऊंगा। आखिरी सवाल औरंगजेब, 2014 में एनडीए था, 2019 में भी था, लेकिन वो जो मोदी दोनों दफा जीते वो एक एब्सोल्यूट मोदी थे, एलआई प्रूफ मोदी थे। उनको ठीक है एनडीए था, लेकिन उनको एलआईज की जरूरत नहीं थी, बीजेपी अपने बूते से था, और उन्होंने जो सरकार चलाई है उसमें एलआईज की भूमिका जो है बहुत ही नगण्य रही है। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, सडनली जैसे ही विपक्षी दलों का एक साझा मोर्चा बना और उसी दिन जो है बीजेपी ने भी अपने अपने मोर्चे की परेड की, तो क्या हम फिर से कोएलिशन की राजनीति के दौर में वापस जा रहे हैं, जो कि 1996 से लेकर उससे पहले भी, लेकिन 1996 से लेकर लगातार जो है 2014 तक चली? देखिए राजेश, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बिल्कुल दर्शाता है कि एक जो है ना, खासकर बीजेपी में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो थे बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और अपने बलबूते पे इतने सीट लाए वो, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि आज आपने जब 38 पार्टीज परेड की, आपको लगा कि वहां पे 26 पार्टीज हैं। देखिए एक चीज है, फर्क साफ जाहिर हो रहा था आज, इसमें कोई नहीं है,
आप जो मुखालिफ थे वो कई जगह में स्टेट्स लीड कर रहे हैं, और आपने मेजोरिटी यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से लाए, आपने ये सारी छोटी छोटी पार्टीज लाए जिनके एमपीज भी नहीं है, वो एक सदर। लेकिन क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही है कि हमारे को इट इज मोदी वर्सेस ऑल, वो अब कहीं ना कहीं वो मिसिंग था वो नैरेटिव। अब ये है कि वो सारा, जैसे उन्होंने भी कहा इंक्लूसिव की बात कही कि एनडीए की, उन्होंने आज वाजपेयी को इन्वोक किया, अडवाणी को इन्वोक किया कि कैसे वो एक साथ रखते थे सब पार्टीज को, तो कहीं ना कहीं उनका अपना असेसमेंट भी होगा बीजेपी का कि अभी एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, कि ये आसान बात नहीं है, और अगर 26 पार्टी मजबूत पार्टियां एक साथ आ रही है तो खेल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और लड़ाई जो है वो काफी टफ रहेगी। जी, जैसे मैं आपको एक बात, दिल्ली की बात हम करें, 1967 से, 67 से जो भी पार्टी दिल्ली में मेजोरिटी लाई है, आके सेंटर में रूल कर लीजिए, मैं आपको एक स्टेटिस्टिकल ये दे रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ, आप ये उठा के देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स उठा के देखिए, और अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके, तो हो सकता है बीजेपी के लिए कठिनाई पैदा करे। और अगर दिल्ली, देखिए एक बेलोदर स्टेट है, एक आपको इंडिकेट करता है कि कैसे देश चल जा रहा है, तो अगर दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसका मतलब है देश में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसी कई चीजें होने वाली है। जी, आगे की लड़ाई जो है, जी किसका मोर्चा कितना बड़ा, आज की लड़ाई इतनी थी, लेकिन आगे की लड़ाई ये है कि किस तरीके से मोर्चा जो है अपने अपने, खास तौर पर इंडिया अलायंस जो है वो किस तरीके से अपने डिफरेंसेस जो है आयरन आउट करता है, और कैसे बीजेपी के समक्ष जो है सब दल मिलकर एक एक कैंडिडेट उतारते हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, ये देखना बाकी है। आप दोनों का राजेश, तो मैं एक जानने कहना का, चाहता हूँ, बस जी बोलिए। राजेश एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जब आपने बोला इंडिया अलायंस, तो जिसने भी नाम दिया है बड़ा सोच के दिया है, जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिया, बड़ा ये कहने में बड़ा लग रहा है इंडिया अलायंस, तो जी मैं यहाँ ये बोल, बहुत ही सोच समझ के दिया गया है ये नाम। नहीं, क्योंकि क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी का एक मजबूत पहलू है, राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, और अगर आप अपने अलायंस का नाम इंडिया रख रहे हैं तो अटैक करते वक्त, बयानबाजी करते वक्त भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है कम से कम अपने देश के नाम के प्रति जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। बिल्कुल एक एक चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत, दोनों का धन्यवाद। हम फिर हेलो, बात करेंगे इस बारे में, और भी बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।